ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ में कुछ सेशंस हम लोग ले चुके हैं। जैसा कि सेशन और इस कोर्स वर्क का एक उद्देश्य है कि बिगनर्स के लिए ये सारे जो टॉपिक्स और सारी चीज़ें एज अ बिगनर्स के लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस और जो भी सेशन ले रहे हैं, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस और सारा कोर्स दिया जा रहा है। मतलब कोई शॉर्टकट या कोई ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं अभी उन पे केंद्रित नहीं है। हम लोग इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आप के पास कोई भी हेल्प या कोई भी ऐसा कोचिंग या गाइडेंस या कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तब आप साल भर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मारुला क्लासेस के इन लेक्चर्स को आप अगर प्रॉपरली आप पर डे रेगुलर फॉलो करते रहेंगे तो आप धीमे 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 ग्रेजुअली उस टॉपिक को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य आज मैं दोबारा फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आप उसको वॉच करें, देखें नहीं, वॉच करें। 15 मिनट का वीडियो है, आप उसके साथ उसी से रिलेटेड कोई टेक्स्ट बुक को रखें अपने साथ और उसको फॉलो करें। तो इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी के जितने वीडियोस आए हैं उसके आगे हम कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेंट लिया है, क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब दोनों परपेंडिकुलर आपस में कट करते हैं तो चार पार्ट हो जाते हैं, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये क्वाड्रेंट क्यों लिया है आज अभी आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस वाले एक्सिस के इस पार्ट, इस एक्सिस के इस डायरेक्शन को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होने पर 90 मतलब पाई बाई टू, तो 0 पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू, इसके बाद 2 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू का मतलब काट के क्या हो गया पाई, तो 0 1 2 3, 3 के बाद 4, तो 4 का मतलब 4 पाई बाई टू का मतलब 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 का मतलब 3 पाई, फिर इसके बाद 7, 7 के बाद 8 पाई बाई टू का मतलब 4 पाई, फिर 8 के बाद 9 पाई बाई टू, 9 के बाद 10 पाई बाई टू का मतलब फिर 11 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू के बाद 12 पाई बाई टू का मतलब 6 पाई, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्सेस को एंगल्स में डिवाइड कर लिया। इसको हम अगर ध्यान से देखें तो 2n पाई आ गया, क्या आ गया 2n पाई, ठीक है। तो इस वाले एक्सेस के इसको 2n पाई से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2n पाई, इवन सम, सम मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर देखिए तो 1, फिर 5, फिर 9, तो 1, फिर उसमें 4 जोड़ें 5, और 5 4 और 9 4, तो ऐसे आएगा। तो अब जब आप 4 से जब डिवाइड करेंगे सभी को, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ से 4 डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर आएगा, तो 4n+1 पाई बाई 2, ठीक है, 4n+1 पाई बाई 2। इसमें देखें तो 1 3 5 7, तो 2n+1 पाई, ऑड मल्टीप्लाई पाई। यहाँ पे 3 7 11, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करें 8 और 3, तो याद आ गया 4n+3, और किसका मल्टीपल पाई बाई 2, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सिस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। कोई भी एंगल किस एक्सिस पे जाएगा समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वाली एक्सिस होगी जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, यहाँ से जो भी रोटेशन होगा वहाँ पे एंगल चेंज होगा, ठीक है, फ्रॉम
वाई एक्सिस। अब जैसे यहां से यहां जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप जानते हैं आल क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें जाएगा तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी क्या हो गए, इसमें जाएगा टेन पॉजिटिव, इसमें जाएगा कॉस पॉजिटिव। ठीक है, इसे यहां करते हैं हम लोग साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन, अब जैसे पाई बाई टू था फिर क्या है, फाइव पाई बाई टू प्लस थीटा। कॉस सेवन पाई बाई टू प्लस थीटा। टेन ऐसे लिख सकते हैं फोर एन प्लस वन पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, कॉट, अब जैसे कि सत्रह है तो सत्रह को ज़्यादा चार से डिवाइड करें, तो सत्रह पाई बाई टू यहाँ पे आएगा। बोले इकतालीस आ गया, बोलो आएगा कि नहीं। एक सौ एक आया, बोलो एक सौ एक को चार से डिवाइड करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, बताइए भाई है। हाँ, और 103 आया तो कहाँ जाएगा, 103 चार से डिवाइड करिए 103 को 100, तो कितना तीन आया रहे शेष पर, 103 यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 99 आया, बोलो तो बताइए, बोलिए। 96 और प्लस 3 तो कहाँ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वैसे कर लेंगे नहीं। आप देखिए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू यहाँ पर है, माइनस इधर जाएगा, इधर पाई बाई टू में कुछ घटाएंगे, हाँ तो फर्स्ट में आ जाएगा, तो चेंज होगा साइन का किसमें। चेंज का मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, चेंज का मतलब है जो हम वाई एक्सिस को चेंज एक्सिस बोल रहे हैं, तो साइन किसमें होगा, कॉस में, और कॉस किसमें होगा, साइन। टैन किसमें होगा, कॉट में, और कॉट किस में होगा, सेक किस में होगा, कॉसेक किस में होगा। वाई एक्सिस को हम लोग चेंज एक्सिस बोल रहे हैं, तो मतलब ये वाई एक्सिस से जो भी रोटेट होंगे वो चेंज करेंगे। चेंज का मतलब हमने बताया कि साइन का चेंज किस में होगा, कॉस का चेंज साइन, टेन का चेंज कॉट में, कॉट का चेंज टेन में, सेक का चेंज कॉसेक, जो वाई एक्सिस से मूव कर रहे हैं। अब वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ए एस टी सी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ए एस टी सी। तो देखिए साइन 90 पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब वाई एक्सिस से कम है, तो इधर, अब इधर सारे कैसे हैं, अब साइन का कैसे होगा, कॉस थीटा, अब सारे पॉजिटिव तो प्लस साइन आ जाए। फाइव बाई टू तो यानी यही आ गया, अब प्लस थीटा तो इसमें आ गया, वाई एक्सिस से है तो साइन का किसमें हो जाएगा, कॉस थीटा। अब साइन इसमें कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, तो कैसा ही रहेगा। अब कॉस सेवन पाई बाई टू यहाँ पे आ गया, प्लस मतलब आगे बढ़ेगा कि पीछे, तो प्लस का मतलब आगे, कॉस को देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस कैसा है, पहले तो ये वाई एक्सिस से तो चेंज होगा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, माइनस। अब टेन फोर एन प्लस वन पाई बाई टू प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब क्या, आगे या पीछे, तो वाई एक्सिस है तो टेन का क्या, कॉट, अब आगे जाएगा तो कैसा, माइनस। बात समझे कि नहीं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, इस पे जा रहे हैं जो भी, आगे बढ़े। फॉर्मूले लर्न करना एक ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इस टाइप के फॉर्मूले कैसे लर्न करेंगे उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब इस पैटर्न को हम लोग ले रहे हैं, हमने बताया था थ्री पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू एलेवन पाई बाई टू, ये फोर एन प्लस थ्री के किस टर्म में, फोर एन प्लस थ्री, तो फोर एन प्लस थ्री कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे। अब ये एक्सिस कैसी है, चेंज, वाई एक्सिस कैसी है, जो भी वाई एक्सिस से रोटेट करेंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अभी देखते हैं, ये भी कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक का क्या होगा, कॉसेक। अब यहां साइन क्या आ गया, प्लस या माइनस, ये ध्यान देंगे, तो थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा,
तो माइनस का मतलब पीछे, प्लस का मतलब हाँ, प्लस थीटा का मतलब ये और माइनस थीटा का मतलब ये। तो इस वाले में गए तो जब हम माइनस हुए तो साइन वाला थर्ड में चला गया, तो साइन थर्ड में कैसा होता है? हाँ, तो इसका साइन नहीं देखेंगे हम लोग, इसका देखेंगे। तो क्या आ गया? नेगेटिव। कॉस, कॉस के लिए आ रहे हैं हम लोग, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब इसमें। अब कॉस इसमें कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव का मतलब साइन चेंज नहीं होगा। टेन के लिए जा रहे हैं, तो टेन माइनस में जाएगा तो इधर आ गया, माइनस थीटा वो इधर आया। थर्ड में टेन कैसा होता है? तो कुछ भी यहाँ करने की जरूरत है, प्लस का मतलब क्या रहेगा? कॉट के लिए, तो कॉट 11 पाई बाई टू प्लस थीटा तो इसमें जा रहे हैं। फोर्थ में कॉट कैसा है? नेगेटिव। और ये चेंज होगा कि नहीं? कॉट किस में हो जाएगा? टेन थीटा में। और साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। सेक के लिए जा रहा है, सेक प्लस मतलब ये इसमें फोर्थ क्वार्टर सेक कैसा होता है? पॉजिटिव। और चेंज होगा तो ये होगा कॉसेक थीटा। ये बात हम लोगों ने कंप्लीट की, ध्यान दिया। इस टाइप का कोई भी पैटर्न आएगा हम लोग कर पाएंगे कि नहीं? आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं, कुछ पैटर्न हमने फिर से अगेन लिए। जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बने, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या बने, तो हम लोग एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन में हैं। प्लस का मतलब आगे जाना, माइनस का मतलब पीछे जाना। माइनस थीटा क्या ले जाएगा आपको? पीछे। प्लस थीटा क्या ले जाएगा? आगे। एक्स एक्सिस नो चेंज, जब भी एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब साइन है तो क्या रहेगा? साइन थीटा। कॉस है तो क्या रहेगा? कॉस थीटा। टेन है तो क्या रहेगा? टेन थीटा। बात को ध्यान दिया। अब ये प्लस होगा कि माइनस, ये ध्यान देना है। तो जब प्लस हुआ तो प्लस मतलब थर्ड, अब थर्ड में साइन कैसा होता है? तो इसका माइनस कर देंगे, थ्री पाई माइनस थीटा। पीछे आगे सेकेंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो ऐसे आ जाएंगे, फाइव पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड में टेन कैसा होता है? पॉजिटिव। ऐसे रहेगा। कॉट, कॉट सेवन पाई माइनस थीटा, तो माइनस मतलब सेकेंड में। चेंज नहीं होगा तो कॉट थीटा ही रहेगा। सेकेंड में कॉट कैसा होता? माइनस। सेक के लिए प्लस मतलब थर्ड में आएंगे, चेंज होगा नहीं सेक थीटा, मगर थर्ड में कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, आराम से इसको भी आपने इत्मीनान से सीख लिया होगा। जहाँ डाउट है आप इसको रिमाइंड करिए, वीडियो को रिमाइंड करें, फिर से इस बात को समझें। ठीक है, कुछ पैटर्न अभी और हमने लिए, आइए देखते हैं कि इनका क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा कि 2n पाई इवन मल्टीप्लाई पाई, इसका मतलब x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग हैं। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब प्लस थीटा, और नीचे जाने का मतलब x एक्सिस के बारे में पहले से बताया गया है कि x एक्सिस मतलब नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन है वो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है कॉस थीटा ही रहेगा, टेन है तो टेन थीटा रहेगा। बस आपको अब ये डिसाइड करना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। टू पाई माइनस थीटा, इसका मतलब हम नीचे जा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। टू पाई प्लस थीटा फर्स्ट में सारे कैसे? पॉजिटिव। फोर पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, टेन कैसा होता? नेगेटिव। चेंज जैसे देखा 2n पाई, चेंज नहीं होगा कॉस थीटा। प्लस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही रहेगा। 16 पाई प्लस थीटा, प्लस का मतलब फर्स्ट में, चेंज नहीं होगा और साइन भी कोई चेंज नहीं होगा। बारी बारी से हमने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से रोटेशन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से रोटेशन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से रोटेशन और वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से रोटेशन देखा। अगर आपने बेसिकली बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया होगा, इतना से ध्यान दिया होगा, अगर अभी ध्यान नहीं दिए तो दोबारा फिर से रिमाइंड करिए और अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लीजिए, अब उनको कन्वर्ट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, आपको आना चाहिए। रटने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करिए और बहुत ही जो हम बता रहे हैं पहले आप इसको इसी तरीके से करना है, फिर आपको लर्न कर लेना है। मेरी बात को ध्यान दें, इसको आप लर्न कर लेंगे, बाद में आपको ये भी नहीं करना पड़े, तब आप कंफर्टेबल होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले दें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो। कॉन्सेप्ट अभी एक हमने बताया, आप इसको ध्यान दें। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम लोगों को परेशानी में डाल देते हैं, हम लोग स्किप करने चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं।
ऑप्शंस को एक बार पढ़ लें और क्वेश्चन पढ़ लें. कॉस टू थीटा प्लस टू कॉस थीटा की ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी. तो मतलब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए. क्या चाहिए? तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का ही क्वेश्चन है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कॉस थीटा के टर्म में ले आएंगे. तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टू कॉस थीटा. तो आपने देखा टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस वन. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया गया था कि जब भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आए सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक हाईएस्ट डिग्री कोफिशियंट का टर्म जो है उसको कॉमन लेंगे. तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस वन बाई टू. जब क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री टर्म वन बन गया तब आप कॉस थीटा यानी एक्स का कोफिशियंट देखेंगे तो वन है. इसका हाफ करेंगे, यही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, वन बाई टू उसका स्क्वायर दैट इज़ वन बाई फोर. इतनी वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, इतनी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन बाई फोर जो आया वो उसको हमें ऐड करना है और उतना ही क्या है सेपरेट करना है. तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे माइनस फोर. तो यहाँ पे आएगा टू और यहाँ पे आएगा वन. ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया. अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं. ठीक है.